श्री, जैसे कि हम बात कर रहे थे लीनियर प्रोग्रामिंग की, यानी एक ऐसा मेथड जिसके अंदर आप एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि गिवन कंस्ट्रेंट कुछ लिमिटेशंस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी की सूरत में आप गिवन होता है और आप उस गिवन फंक्शन विच इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लीनियर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। हमने एक प्रॉपर एग्जाम्पल ली थी और उस एग्जाम्पल को हम सॉल्व कर रहे थे। हमने बोला जी कि इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए व्हाट आर द मेथड्स, द मेथड्स आर कि सबसे पहले आप इन लीनियर जो आपकी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं इनको आप ग्राफिकली प्लॉट करें यहाँ पे। जब आप इनको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो देन टॉक अबाउट फिजिबल सॉल्यूशन। व्हाट इज अ फिजिबल सॉल्यूशन? फिजिबल सॉल्यूशन फॉर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो वो रीजन जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, वो रीजन जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, वो आपके पास वो तमाम सेट ऑफ पॉइंट्स जो के शेयर्ड होते हैं, ऑब्वियसली अगर हम शेयर कर रहे हैं ये लाइंस बना रहे हैं, तो वो रीजन जो होगा वो कहलाएगा आपका फिजिबल सॉल्यूशन। इसका मतलब है दिस इज अ फिजिबल रीजन और फिजिबल सॉल्यूशन। तो जो वर्टिसेस ऑफ फिजिबल रीजन होते हैं, वर्टिसेस ऑफ फिजिबल रीजन, उनको आप इस गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर पुट करते हैं। तो जहां पे वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, जहां पे वो बिगर आंसर देगा दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू, और जहां पे वो स्मॉलर आंसर देगा दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू। तो वो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास बेसिकली मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास, जैसे हमने चार पॉइंट्स यहाँ पे आइडेंटिफाई किए, 1, 4, 5, 0, 0, 1 एंड 0, 0। अगर मैं इनको यहाँ पे मैंशन कर दूँ, ठीक है, लेट्स से अगर मैं इनको मैंशन करता हूँ, ठीक है, कि अगर हमारे पास जो है वी नो कि फिजिबल रीजन, हम लिख सकते हैं यहाँ पे यू नो स्टेटमेंट की फॉर्म में, फिजिबल रीजन इज बाउंडेड बाय, यानी फिजिबल रीजन किस तरह से बाउंड करता है, फिजिबल रीजन इज बाउंडेड बाय यू नो किस किस पॉइंट से बाउंड हो रहा है, बाय पॉइंट्स 0, 0, यानी एक ओरिजिन है, ठीक है, 0, 0। उसके बाद एक पॉइंट है, लेट सपोज आई कॉल इट ओ ओरिजिन, एक पॉइंट है ए जिसको मैं 5, 0 कह रहा हूँ, ठीक है, आई वुड बेटर मेंशन दीज पॉइंट्स, ठीक है। और इसके बाद पॉइंट बी है जो कि है 1, 4, और पॉइंट सी है एंड पॉइंट सी जो कि है 0, 1। मैं यहाँ पे इनको मेंशन भी कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लेट सपोज दिस इज माई पॉइंट, ये मेरे पास पॉइंट है ओ, दिस पॉइंट इज ओ, ठीक है, उसके बाद 5, 0 इज ए, दिस पॉइंट इज ए, उसके बाद 1, 4 इज बी, और ऑब्वियसली मैंने मेंशन किया हुआ दिस पॉइंट इज सी, ये 0, 1 है, क्या है, सी है। तो आप इन तमाम पॉइंट्स को उस गिवन फंक्शन जो कि आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है, जो कि आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है, इवैल्यूएटिंग गिवन फंक्शन, आई वुड से इवैल्यूएटिंग गिवन फंक्शन एट गिवन पॉइंट्स, ठीक है। तो अगर एफ ऑफ 0, 0 पे इसको चेक करें, किसको चेक करना है जी, आपके पास गिवन फंक्शन क्या था, 2x + 3y। तो इसका मतलब है 2x + 3y की जगह मैं यहाँ पे अब क्या कर दूंगा, 2 × 0 आई वुड से इज इक्वल टू 2 × 0 + 3 × 0, तो ऑब्वियसली आ जाएगा 0। इसी तरह से अगर मैं एफ 0.50 जो कि है आपका पॉइंट ए, अगर मैं पॉइंट ए पे इसको करता हूँ, इसकी इवेलुएट करता हूँ, 2 × 5 यानी 2x + 3y, 3 × 0, तो 2x + 3y, 2 × 5 = 10 + 3 = 0 आ जाएगा 10। इस तरह इसको पॉइंट बी पे मैं अगर फाइंड करता हूँ, पॉइंट बी के ऊपर, तो पॉइंट बी के ऊपर एफ ऑफ 1, 4 कितना हो जाएगा, 2 × 1 + 3 × 5 + 3 × 4, सो 4 × 3 = 12 + 2 कितना हो गया, 14, सो आई गॉट 14। इसी तरह से लास्ट पॉइंट एफ 0, 1 के ऊपर, सो आई कैन एवेल्युएट इट 2 × 0 + 3 × 1, सो आई कैन सिंपली से 2 × 0 = 0 + 3 = 3, ठीक है। तो इसका मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस फंक्शन, इसका मतलब है कि फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू ऑफ 0 एट किस पॉइंट के ऊपर, ओरिजिन के ऊपर, एट ओरिजिन। तो फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है, किस फंक्शन की, उस गिवन फंक्शन जिसको आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन कह रहे हैं, उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है एट 0, 0, और उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है एट 1, 4 विच इज 14। सो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज मिनिमम वैल्यू, सो आई कैन से दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, आई मीन सॉरी दिस इज मिनिमम वैल्यू, दिस इज MIN फॉर मिनिमम एंड MAX फॉर
मैक्सिमम वैल्यू. सो व्हाट डज इट मीन एक्चुअली, हमें यहाँ पे यूं देखना होता है कि यू नो फॉर एग्जांपल, अगर आप जब प्रैक्टिकल हम इसके ऊपर कुछ डेली लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसका क्या मतलब है कि इस गिवन जो आपके पास चॉइसेस हैं, जो गिवन ऑर्डर पेयर्स हैं, इन गिवन ऑर्डर पेयर्स के अंदर विच, अगर आपको लेट सपोज मैक्सिमम प्रोडक्शन की बात की जा रही है, तो अगर आप मैक्सिमम प्रोडक्शन गेन करना चाह रहे हैं कोई सर्टन, जैसे मैंने बात की क्लट से एक्स रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ लेबर्स, ठीक है, एंड वाई रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मशीन, सो वट इज द मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आप किस सेट के थ्रू गेन कर सकते हैं इस गिवन कंडीशन के अंदर. ऑब्वियसली आपके पास गिवन कंडीशन होंगी कि आपके पास अगर चार मशीन, अगर दो मशीनें हैं तो आपके, अगर दो लोग हैं तो वो तीन मशीनें रन कर सकते हैं या कुछ भी इस तरह से, जो अभी हम ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर उनको सॉल्व करेंगे. तो इन गिवन सेट ऑफ पॉइंट्स के अंदर, इन गिवन सेट ऑफ पॉइंट्स के अंदर फॉर एग्जाम्पल ये तमाम पॉसिबल पॉइंट्स है, लेट मी यूज अनदर कलर, ये तमाम ऑर्डर पे, ये तमाम पॉसिबल फिजिबिलिटीज हैं, ये तमाम फिजिबल पॉइंट्स हैं जिनके अंदर हम टेस्ट कर सकते हैं कि अगर हमें मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी चाहिए, लेट सपोज एफ ऑफ एक्स वाई विच इज एक्चुअली वाई आउटपुट, ठीक है, आपकी आउटपुट किस गिवन ऑर्डर पेयर में या किस कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा हो सकती है इस गिवन लिमिटेशंस के अंदर, तो ऑब्वियसली उस तरह से आप मैक्सिमम फंक्शन को मैक्सिमाइज कर देते हैं. और अगर आपको चाहिए कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, यानी प्रोडक्टिविटी सबसे कम कहां पे हो सकती है, उसके अंदर भी आपके पास कोई भी ऑर्डर पेयर होगा, जो कि ऑब्वियसली हमने यू नो प्रूव ये बात की है, जो वर्टिसेस ऑफ पॉइंट्स होते हैं इन्हीं में मैक्सिमम या मिनिमम होते हैं, यानी जो फिजिबल रीजन के वर्टिसेस होते हैं उन्हीं में मैक्सिमम पॉइंट भी उन्हीं में होते हैं और मिनिमम पॉइंट भी उन्हीं में होते हैं, और एक फंक्शन के अंदर या एक फिजिबल रीजन के अंदर मैक्सिमम पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी, मतलब ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन.